दिल्ली के पास महिला फैशन डिजाइनर के लापता होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शिप्रा नाम की फैशन डिजाइनर सोमवार को नोएडा के सेक्टर 37 से दिल्ली के लिए निकली, इसी बीच वो लापता हो गई। पुलिस को उसकी कार नोएडा के सेक्टर 29 में मिली है। कार की चाबी कार में ही थी, लेकिन शिप्रा का कोई पता नहीं चला। फैशन डिजाइनर के पति ने सेक्टर 20 में शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन अभी तक पुलिस को सुराग नहीं लगा पाई। हालांकि पुलिस की जांच में पता चला है कि शिप्रा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन लाजपत नगर के पास की मिली है। एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई है और शिप्रा की तलाश जारी है। एक महिला सेक्टर 37 में रहती, करीब 18:17 के आसपास नोएडा से निकली थी और वो दिल्ली जा रही थी। उनका लास्ट जो लोकेशन है वो लाजपत नगर नई दिल्ली का मिला है और वहीं से उन्होंने 100 नंबर कॉल की थी दिल्ली कंट्रोल रूम को। उसके बाद कोई उनकी लोकेशन नहीं है, उनके लिए गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। ये बुटीक चलाती थी, सेक्टर 37 में रहती थी और इनका चांदनी चौक में बुटीक। इंडियन न्यूज संवाददाता ललित मोहन मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। ललित, मुझे ये बताइए, फैशन डिजाइनर की मिसिंग मिस्ट्री में अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ लगा या नहीं लगा? कार के जरिए कुछ पता लगा पाई पुलिस या नहीं पता लगा पाई? लास्ट जो ट्रेस्ड मोबाइल फोन की लोकेशन है लाजपत नगर के आसपास की है, घर वालों को शक किस पर है? ये देखिए राशिद, इस समय हम उन्हीं के घर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है उनके फादर जो कि पटेल नगर में, चिप्रा जो है पटेल नगर की रहने वाली है दिल्ली की, और 2010 में उनकी शादी हुई थी चेतन से। तो उन्हीं के यहाँ पर घर पे हम मौजूद हैं। उनकी सास से हमारी बातचीत हुई है कि कहीं कोई पति पत्नी का विवाद तो नहीं था, आपस में कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। और साथ ही उनके फादर से हमारी बातचीत हुई है। 29 तारीख को करीब 1:30 बजे वो यहीं सेक्टर 37 से अपने घर से निकली थी और ब्रह्मपुत्रा जो बाजार है यहाँ पे उनकी गाड़ी जो है बाकायदा बरामद हुई। जो स्विफ्ट गाड़ी थी वो लावारिस हाल में बरामद हुई है। हालांकि गाड़ी जो है उनके परिजनों को दे दी जा चुकी है और 48 घंटे से अधिक हो गए हैं अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। जबकि कल रात में जब पुलिस ने इनके परिजनों को बताया है कि उसकी लाश चिप्रा की जो लोकेशन थी वो लाजपत नगर फ्लाईओवर की थी और वो फोन भी जो है कहीं सब कुछ हम बता चुके हैं ललित, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम दे चुके हैं। मुझे ये बताइए, घर वालों को किसी पर शक है या नहीं है? जी, घर वाले अभी किसी चीज से भी साफ इनकार कर रहे हैं। उनको कहीं उनका ये कहना है कि हमारा कहीं बाजार में भी किसी से कोई झगड़ा नहीं है और ना ही घर के किसी कहीं रिलेटिव। ललित मोहन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट।